देखो इन लड़कियों को, क्या इनकी शादी की उम्र है? हमारे समाज में सदियों से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका उनकी शादी कर देते, पेट में ही रिश्ता तय हो जाता है। जब 13 साल की उम्र में शादी करने के लिए मेरे लिए, जब पहली बार मैंने शादी के लिए अपने घर वालों को मना किया, 13 साल की उम्र में मैं शादी नहीं करूंगी, और घर वालों ने मुझे डांटा और मेरी पिटाई करी और कमरे में डाल दिए, बस भाई इसको ये 2-3 दिन भूखी रहेगी और अपने आप इसके समझ में आ जाएगी, शादी के लिए हाँ कर दी। मार नाम विजय लक्ष्मी शर्मा चे, वो जो छोटा बच्चा हो चे ना, मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है, मेरी उम्र 26 साल की है और मैं बाल विभाग पे काम करती हूँ। ममता बागरिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और वो 14 साल की उम्र में माँ बन गई, और माँ बनने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका जनाजा हमारे घर के सामने से निकला तो उसे उस जनाजे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो ममता बागरिया के साथ हुआ हो किसी के साथ। जब इस काम की शुरुआत की मैंने तो घर घर जाकर लड़कियों से बातचीत करना, उनके परिवार वालों से मिलना और गाँव में स्कूल में बातचीत करना। फिर हम भी कहा, हाँ मैं भी कहा, हाँ। मैं रुखाड़ी तोड़े कर सका, बाल बच्चे बड़ी बड़ी बच्चिया च, हाँ? हाँ? तो आप मना करो तो मैं रुका चा, हाँ? तो आप बोधर जाओ सो मीना का मीना, तो मैं बिहार सो पीछा ही कौन मैं खर्चो को सर जी, मैं कड़ोश खर्चो ले रहा हूँ, शायद मैं रुकवाऊ चू और भी सो आपन का फायदो चेर का नुकसान चे आका बारे में थानू बतावो चाहू चू कि आप तेरे भैया तेरे भाई को मार देंगे, तुझे उठा के ले जाएंगे, तेरे को किसी ऐसा कर देंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, उनका सामना करते हैं। मैंने अब तक 27 शादियां रुकवा चुकी हूँ समझाइश के आधार पर, उन परिवार के लिए जिनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन परिवार के लिए तो मुश्किल है क्योंकि उनके पास जैसे उनके पास वो कुछ कमाने के स्रोत ही नहीं है, तो वो लड़की उनके लिए तो बोझ ही है, खुद का खर्चा खुद उठा सके और अपने माँ बाप पर वो बोझ बनकर ना रहे। उस पढ़ाने के साथ साथ मेरा लड़कियों से अच्छा संपर्क बना रहता है, उनसे मैं खुल के बात कर पाती हूँ, लड़कियां भी मेरे से खुल के बात करती है, तो जो भी उनकी समस्या होती है तो मुझे आसानी से बता सकती है। मेरा यही सपना है सब लड़कियां पढ़े आगे बढ़े, किसी के दबाव में आकर भी कोई लड़कियां बाल विवाह ना करे, हमारी पूरी प्रयास रहता है हमारा।